और उस दिन के बाद मेरा मन नहीं करता पीने, तो एक आध की दारू जो टूटे वो तो नहीं कहा बिल्कुल है वो है। ये बात आई साक्षी मलिक की, साक्षी मलिक से पहले बेटी के नाम से ही गौरव मिला था इस गांव को, यहाँ पहुँचाता गाँव। यहाँ नवाब थे कलानौर, वहाँ रुकना पड़ा करता, लंबी कहानी है, मुझको बंद करके टॉपिक पाता हूँ। हमारे प्रधान जी कमेटी बनाएंगे, इसके विरुद्ध एक वहाँ भी कमेटी बनी हुई है। मैं परसों मेरी एक रिश्तेदार आ गई, वो काफी कमजोर हो रही थी, अब स्टेज हालात नहीं थे, मैं वार्ड पहुंचा वहां से, उनको वहां लेकर गया। मेरे साध्वी जी से मिलने की गुंजारिश करी जवानों से, जो बोला भाई कमेटी वाले हैं किसे नहीं बनता। अच्छा भाई, तो बोला मैंने फिर एक और बुलाया दिनेश अपारसी, उन्होंने आगे कहा भाई सरपंच साहब हैं ये, कोई सी आई टी लेना बोला सी आई टी लेना रहे, बोले कोई सी आई टी लेने नहीं आ रहे। उन्होंने फिर उनको धारा लगवाया और वो चले गए। लेकिन मरने को पता था कुछ नहीं होना जाना, क्यों बना मेरा लड़का फिर खराब हो रहा, कुछ ना मेरी घरानी का हो रहा, उनने का लगवा लेता। लेकिन उनने कैसे मना करू, इतने दूर से आए मान भाई, चाय पीना खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए मना कर रहे हैं। आज भी फोन आया है प्रधान जी कमेटी बनाओगे, उसके बराबर में कमेटी और खड़ी है, इतना आसान नहीं। हम सभी का सहयोग था, वहाँ समाज है, नाथ समाज है, सबसे इनसे मैं प्रार्थना करूँ हमें सहयोग देते रहियो। ये जो खेड़ी पन्ने के आए ना, पन्ने की बात करती, वो आए जो उसने उठाना चाहे, सब ने पता है पाखंड है। लेकिन शराब वाली बात है मैं बता दूं, वही मेरे को कौन जगह मिला था, उन्होंने कहा भाई मेरे को कुछ दारू के अंदर पिलाया है और उस दिन के बाद मेरा मन नहीं करता पीने, तो एक आध की दारू जो टूटे वो तो नहीं कहा बिल्कुल है वो रहे हैं, दारू तो फुटवा दे करे पर धन्यवाद करूँ मेरे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी देव सुनी। मैं जो हमारी पंचायत की मर्यादा थी, परंपराएं थी ना, उससे थोड़ा हाथ भिन्न प्रोग्राम चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बचपन से पंचायत तो रानी वाई रहा हूँ और वो सिस्टम अलग है। आजकल तो इतने दर्शक श्रोता पंचायत ही कम है, खाकर बंदूक कर श्रोता दर्शक ज्यादा आ रहे हैं। भाई मेरा होगा उसका क्या कर दिया, बाहर के द्वारे गए दूर करके भी पानी पहुंच पे, हमें वो सबक कहने चाहते हैं खाक वाले। तो मेरा अनुरोध है सेना शिविर से, आप नम्रता से हमारा को सर पे आदेश दो, हमारा आशीर्वाद बनाए रखो, जो आपका सर्कल है उसमें भावना हमारे तक समर्पित हो, लेकिन हमारी पावर जो खाद पै गया आप ना दो, क्योंकि आप पूरी तरह आप पर कलंक ना लग जाए, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे आश्वासन देता हूँ, जो हमारा काम हम बंद करेंगे, मोखरा गाँव और मोखरा तपा जो भी सिखाप जो हमारा आदेश लगाओगी हम उसका समर्थन करेंगे। धन्यवाद, अंधविश्वास और पाखंड चल रहा है, इसके ऊपर महेंद्र शुक्लाई नाथ जोगी जी ने जो विचार अपने डिटेल में रखे, अगर आप लोग अगर ध्यान में सुने होंगे तो आप लोग अगर बात अच्छे से समझ में आगे होगी। और अपने राम निवास हरी जी ने अंधविश्वास और पाखंड ले गए, बहन जी ने जो विचार रखे, ये सारे के सारे आपने ध्यान तक सुने होंगे तो समझ में आगे होगी। मेरा विशेष निवेदन युवाओं से रहेगा, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है, वो एक लाइन भी है ना, तलवारों की छाया में जबकि आजादी चलती है और इतिहास उधर चल जाता है जिस और जवानी चलती है। युवाओं आप सबको पता है इस देश का नाश जितना अंधविश्वास और पाखंड ने किया है अन्य किसी ने नहीं किया। तो हम अपने गाँव से मोखरा गाँव वालों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके, हर एक गाँव में दो चार व्यक्ति होते हैं जिनके शराब के बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, जो यहाँ पर आपने भी देखा होगा बहुत सारे अव्यवस्था फैला रहे हैं कि ये सब ठीक चल रहा है वो चल रहा है। युवाओं आपने पता होगा अगर अविद्या और अंधविश्वास के कारण जितना नाश हुआ है, अविद्या के कारण हम आज उस बात को समझ नहीं पा रहे, तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, दोबारा गुलामी के दिन देखने पड़ेंगे। और मैं
जोगीनाथ जी ने जो फोन पकड़ बात रखी थी, बहुत सारे साथियों का डाउट भी था कि वो यहाँ से भगाने के लिए आए थे, भगाने के लिए यहाँ से नहीं आए थे। उन्होंने फोन पर यही बात बोली थी कि जितने भी गांव गांव में ये पाखंड चल रहे हैं उन सबको हम भगाने का काम करेंगे और मिलजुल के एक छत के नीचे एक छतरी के नीचे आकर इन गाँव गाँव से अंधविश्वास और पाखंड को बनाने का काम करेंगे।